लिसनर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए मेरे साथ जहां हम पढ़ेंगे आज बिजनेस स्टडीज की हमने जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी उसके सेकंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे व्यवसाय क्या होता है और उसकी क्या विशेषता होती है। तो देखो, आप जब भी प्रॉफिट के लिए कोई भी काम करते हो वही क्या हो गया, बिजनेस। और सेकंड, उस बिजनेस में लेन देन होना चाहिए। जैसे आप एक बुक खरीदने के लिए कहां गए, मार्केट गए, ठीक है। आप एक बुक खरीदने के लिए मार्केट किसी शॉप पर जाते हो, अब शॉपकीपर वाला क्या करता है, आपसे पैसा लेता है और रिटर्न में आपको क्या दे देता है, बुक दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में शॉपकीपर वाले जो आपसे पैसा लेता है, उस पैसे में उसका प्रॉफिट भी शामिल रहता है। तो इस लेन देन को ही बिजनेस कहते हैं कि आप वस्तुओं के माध्यम से या सेवाओं के माध्यम से जो भी लेन देन करते हो और उस लेन देन से आपको जो भी प्रॉफिट होगा बस वही बिजनेस होगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी परिभाषा या इसके अर्थ को लिख सकते हैं कि व्यवसाय का अर्थ होता है व्यस्तता, अर्थात किसी भी कार्य में व्यस्त रहना, मतलब बिजी रहना, कोई भी काम करना व्यवसाय कहलाता है। इसमें अब व्यक्ति लाभ कमाने के लिए या प्रॉफिट के लिए जो भी काम कर रहा है वो सारा वैध, मतलब लीगल होना चाहिए। इलीगल तरीके से वो कोई भी बिजनेस करता है, जैसे आप देखते हो तस्करी के माध्यम से बहुत बिजनेस होते हैं, लोग बोलते हैं ना कालाबाजारी वाला कोई काम करते हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से बिजनेस करते हैं, तो ये सारा इसके अंतर्गत नहीं होगा। सारे लीगल काम इसके अंदर होने चाहिए। साथ में जो वस्तु है और जो सेवाएं है वो कैसी होनी चाहिए, उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि से संबंधित होनी चाहिए। और साथ में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का लाभ कमाना, और साथ में समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने जो दायित्व है उसको पूरा करना। तो क्लियर क्या हुआ व्यवसाय, प्रॉफिट के लिए हम जो भी काम करेंगे वो हमारा लीगल होना चाहिए, साथ में समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हमें लाभ कमाना है, यही क्या हो गया व्यवसाय। अब एक राइटर के अकॉर्डिंग आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर LH हेने के अनुसार इसकी डेफिनेशन लिखी है कि व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय क्रियाओं से है। मानवीय क्रिया मतलब व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है, इसलिए हम व्यवसाय को मानवीय क्रिया कहते हैं। अब कौन सा कार्य करता है व्यक्ति, वस्तुओं के क्रय विक्रय, मतलब अभी हमने पढ़ा था लेन देन से संबंधित, लेन देन या वस्तु के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने या प्राप्त करने के लिए की जाती है। क्लियर। अब देखो व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में, यहाँ देखो हम व्यवसाय की विशेषता पढ़ेंगे। पहली विशेषता हम पढ़ेंगे कि व्यवसाय मानवीय क्रिया है। दूसरी हम पढ़ेंगे व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, लाभ। तीसरा हम पढ़ेंगे व्यवसाय लीगल होना चाहिए, वैधानिक क्रिया होनी चाहिए। फोर्थ हम देखेंगे व्यवसाय क्या है, एक कला तथा विज्ञान। फिफ्थ हम जानेंगे लाभ की अनिश्चितता, और सिक्स्थ हम पढ़ेंगे साहस। अब इन सब पॉइंट्स की हम डिटेल जानते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर व्यवसाय क्या है, एक मानवीय क्रिया। हमने स्टार्टिंग में इसके मीनिंग में ही जान लिया था, मानवीय क्रिया का मतलब होता है व्यवसाय को संचालित एक मानव या एक व्यक्ति कर रहा है, ना कि कोई जीव जंतु तो संचालित करते नहीं है। जीव जंतु या पशु पक्षी कोई व्यवसाय करते हैं क्या, नहीं करते हैं। इंसान, मानव, व्यक्ति किसी काम को करते हैं। तो व्यवसाय को किसने और व्यवसाय को कौन ऑपरेट कर रहा है, एक व्यक्ति, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, यह एक कौन सी क्रिया हो गई, मानवीय क्रिया। सेकंड यहाँ पे देखो लाभ का उद्देश्य, हमने मीनिंग में ही जान लिया था कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। तो बिना लाभ के अगर आप कोई भी काम करोगे तो वो व्यवसाय नहीं होगा। जैसे आप कोई गिफ्ट लेकर आते हो मार्केट से और किसी को आप गिफ्ट देते हो तो वो व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय में लेन देन होना जरूरी है, पैसों का क्रय विक्रय होना जरूरी है। और एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आपके आप पापड़ का या अचार बनाने का भी कोई व्यवसाय करते हो, तो ऐसी कंडीशन में जब आप अपने घर के लिए कोई अचार या पापड़ वगैरह बनाते हो तो ये व्यवसाय नहीं होगा। ये व्यवसाय तभी होगा जब वो अचार और पापड़ आप किसी व्यक्ति को बेचते हो, उसका सेल करते हो, तो वो व्यवसाय के अंतर्गत होगा। अगला देखो वैधानिक क्रिया, क्रिया मतलब कार्य और वैधानिक मतलब लीगल, कि बिजनेस
इसके अंदर आप जो भी कार्य करोगे वो सारे लीगल होना चाहिए। आप सट्टेबाजी के थ्रू कोई भी पैसा कमाते हो तो वो व्यवसाय के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। आपकी सारी क्रियाएं, आपके सारे कार्य कैसे होने चाहिए, वैधानिक मतलब लीगल होना चाहिए। अवैधानिक मतलब इलीगल तरीके से आपने जो भी लाभ कमाया है वह व्यवसाय नहीं माना जाएगा। अगला देखो, कला तथा विज्ञान। देखो, कला का मतलब होता है कोई भी समस्या हो उसका समाधान करके उसे एक आदर्श रूप प्रदान करना कला होता है। और विज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय की जानकारी हासिल करना और उसके कारण और परिणाम का पता लगाना। तो आप सोचो, क्या व्यवसाय ऐसे ही संचालित कर सकता है क्या कोई भी व्यक्ति? व्यवसाय को संचालित करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए ताकि हम लेन देन से संबंधित बातों को समझ सके और जो हमारी समस्या है उस समस्या का समाधान करके हम उसे एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ पर ये लिखा है मैंने कि व्यवसाय का संचालन व्यापारी की निपुणता, व्यक्तिगत कुशलता के आधार पर किया जाता है, मतलब उसकी योग्यता, उसकी बुद्धि के आधार पर उसका संचालन किया जाता है। इसलिए ये क्या हो गया, कला। जैसे मैंने बोला ना, समस्याओं को एक आदर्श रूप देता है, वही साथ ही व्यवसाय में विज्ञान की भांति क्या होते हैं, कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। जैसे मैं मानूं आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप आज शॉप पर गए, कल गए, परसों गए, तो वो नियम होना चाहिए कि डेली आपको बिजनेस करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा कमा लिया फिर एक महीने बाद आप कोई काम करोगे, तो ये बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस रेगुलरली होना चाहिए। इसकी प्रथम प्राथमिकता यही है कि निरंतर जारी रहने वाला कार्य बिजनेस के अंतर्गत आएगा। तो इस आधार पर हम व्यवसाय को विज्ञान कह सकते हैं, ठीक। अब अगला हम पढ़ेंगे लाभ की अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब होता है कि फिक्स कुछ भी नहीं होना। जैसे बिजनेस में रूल से नो रिस्क नो गेन, मतलब जैसे पिछले साल आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इस साल हो सकता है आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन ये कम और ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हुआ, ये मार्केट में जो अप एंड डाउन आते हैं उनके रीज़न से होता है। कभी डिमांड अधिक होती है तो कभी कम होती है, कभी सप्लाई अधिक हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। तो इन डिमांड और सप्लाई, इनके अप एंड डाउन की वजह से ही हमारे प्रॉफिट भी कैसे हो जाते हैं, कम और अधिक होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ अनिश्चित होता है। और अगर आप चाहो कि नहीं, मुझे हर साल बड़े पैमाने का लाभ होना चाहिए, तो वो लाभ आपकी कार्य करने की शैली पर निर्भर भी कर सकता है। जैसे व्यवसाय की व्यवसायी जो है उसकी योग्यता, कुशलता एवं उसकी जो नियंत्रण क्षमता की कब मुझे सप्लाई करना है, कब मेरे प्रोडक्ट की कौन सी प्राइस रखनी है, उस बेस पे अगर वो कार्य करेगा तो उसके लाभ में कमी वृद्धि दोनों ही बनी रह सकती है। और साथ में कभी कभी व्यवसाय में लाभों की निश्चितता नहीं पाई जाती है। होता है ऐसा कि कभी कंपनी को बड़े पैमाने पर लाभ हो जाता है और कभी कंपनी को बिल्कुल भी लाभ नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं जिसके कारण व्यवसाय में लाभ अनिश्चित होता है, कभी अधिक तो कभी कम। एंड लास्ट पॉइंट है इसका साहस। साहस का मतलब होता है जो रिस्क, जो जोखिम होती है बिजनेस में उसको वहन करना, और जो जिस रिस्क को वहन करता है वो साहसी होता है। मतलब जो व्यवसाय को जो ऑपरेट करता है ना, उसका दायित्व कैसा होता है, असीमित। वो है ना, व्यवसाय में जो खर्चे होते हैं ना, उन खर्चों को अपनी स्वयं की संपत्ति को बेचकर पूरा करता है। तो अब ऐसे उसमें हिम्मत, उसमें ऐसा साहस होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति जब भी कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं 6 महीने भी नहीं होते हैं या 2 महीने भी नहीं होते, उनका बिजनेस बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें साहस का अभाव पाया जाता है। आपको व्यवसाय में जो जोखिम होती है उनको वहन करने का साहस होना चाहिए, तभी जाके आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि व्यवसाय की स्थापना ही साहसी के द्वारा होती है, ठीक है, जो जोखिम को वहन कर रहा है। तो साहसी का ये दायित्व है कि व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, उसमें जो जोखिम तत्व जो है ना जो साहस तत्व है वो अनिवार्य है। बिना साहस के आप व्यवसाय नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया व्यवसाय का अर्थ और उसकी विशेषता। अब यदि आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।